नमस्कार, आज है 30 सितंबर 2020। जानेंगे आज की सभी बड़ी खबरें, हिमाचल की हर अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। हिमाचल में खुलेंगे खेल परिसर, बाहरी राज्यों के लिए शुरू होंगी बसें, SOP जारी। कोरोना काल के 6 महीने बाद हिमाचल में खेल परिसरों को मंगलवार से खोल दिया जाएगा। SOP जारी कर युवा सेवाएँ एवं खेल विभाग की ओर से सभी जिला खेल अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। जिला अधिकारियों को तैयारियों के हिसाब से परिसर खोलने का अंतिम फैसला लेने की छूट भी दी गई है। राजधानी शिमला स्थित इंदिरा गांधी खेल परिसर अभी कुछ दिन बंद ही रहेगा। बीते दिनों यहां कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के चलते परिसर को बंद रखने का फैसला लिया गया है। हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए 60% यात्रियों के साथ बस सेवा शुरू की जाएगी। परिवहन विभाग ने SOP तैयार कर सरकार को भेज दी है। इसके अनुसार ऑर्डिनरी बसों के 60 और डिलक्स बसों में 50% सवारियां बैठाई जाएंगी। ये बसें चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के लिए भेजी जानी हैं। कालका शिमला नेशनल हाईवे बहाल, लोगों ने ली राहत की सांस। भारी भूस्खलन से सोमवार देर शाम 8 बजे से बंद शिमला कालका राष्ट्रीय राजमार्ग 18 घंटे बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। कंडाघाट से शिमला की तरफ 5 किलोमीटर दूर टिक्करी मोड़ पर NH पर मोटी दरारें आ गई थी, जिसकी वजह से इस हाईवे को बंद कर दिया गया था। टिक्करी मोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन के लिए कटिंग की गई है। सोमवार शाम के समय क्यारी मोड़ पर पथरीली पहाड़ी से भूस्खलन हो गया, जिससे NH की पक्की सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया। SMC शिक्षकों को लंबित वेतन देने की हाईकोर्ट से नहीं मिली मंजूरी। हिमाचल हाईकोर्ट से SMC शिक्षकों को लंबित वेतन देने की मंजूरी नहीं मिली है। सरकार के आवेदन को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। अब 12 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी। सरकार की मांग पर हाईकोर्ट ने अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया है। SMC मामले को लेकर सरकार के आवेदन पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने हाईकोर्ट से फैसले पर अमल के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। सरकार का कहना है कि SMC अध्यापक दुर्गम क्षेत्रों में कोरोना काल के दौरान भी निर्बाधित सेवाएँ दे रहे हैं। 3 साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले सैकड़ों कर्मी 30 को होंगे नियमित। हिमाचल में 3 साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले सैकड़ों कर्मचारी 30 सितंबर को नियमित होंगे। प्रदेश सरकार साल में 2 बार 31 मार्च और 30 सितंबर को नियमितीकरण करती है। इस बाबत सभी विभागों ने फील्ड से 30 सितंबर तक 3 साल का अनुबंध करने वालों का ब्यौरा एकत्र करना शुरू कर दिया है। हिमाचल में 23,000 विद्यार्थियों ने छोड़ा सरकारी स्कूल, रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल में सरकारी स्कूलों को मजबूत करने में जुटी प्रदेश सरकार को UDAS रिपोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। साल 2019-20 में प्रदेश भर में 23,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया है। 6ठी से 10वीं कक्षा तक 14,000, पहली से 5वीं तक 8,000 ड्रॉप आउट हुआ है। हालांकि 11वीं और 12वीं कक्षा में सिर्फ 102 विद्यार्थी सरकारी स्कूल छोड़कर गए हैं। साल 2018-19 की रिपोर्ट में पहली से जमा 2 कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8,24,073 थी। अब यह संख्या घटकर 8,01,043 रह गई है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों को मिले 530 नए प्रिंसिपल, पदोन्नति सूची जारी। हिमाचल शिक्षा विभाग ने लंबित पड़ी स्कूल प्रिंसिपलों की पदोन्नति सूची जारी कर दी है। प्लेसमेंट आधार पर 530 नए प्रिंसिपल नियुक्त किए गए हैं। इनमें 241 प्रवक्ता और 289 हेड मास्टर को पदोन्नत कर प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति दी गई है। प्लेसमेंट आधार पर हुई इन नियुक्तियों के तहत नए स्कूल प्रिंसिपलों को पुराने पद का वेतन और भत्ते ही मिलेंगे। स्थायी नियुक्ति मिलने के बाद इन्हें बढ़े हुए भत्ते और वेतन मिलेगा। सरकार ने पदोन्नति सूची के साथ ही तबादला आदेश भी जारी कर दिए हैं। अनूप की अनदेखी पर जागा विभाग, खेल मंत्री बोले पात्रता पूरी करते हैं तो देंगे नौकरी। 8 बार नेशनल खेलने वाले NIS पटियाला के कोच अनूप सिंह राणा की अनदेखी पर देरी से ही सही पर खेल विभाग अब हरकत में आया है। खेल निदेशालय शिमला ने प्रदेश के नामी खिलाड़ियों की सूची के अवलोकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्पोर्ट्स कोटे से भरे जाने वाले पदों को लेकर भी विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खेल मंत्री ने भी इस पर गंभीरता दिखाते हुए कहा कि अगर यह राष्ट्रीय खिलाड़ी सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है तो उन्हें उनका हक दिलाया जाएगा। 10 साल में अटल टनल निर्माण में 80 श्रमिकों की गई जान, 3200 करोड़ से हुआ निर्माण। करीब 3200 करोड़ से बनकर तैयार हुई अटल टनल रोहतांग देश के लिए सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चीन और पाकिस्तान से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मनाली से कुछ ही घंटों में सेना पहुंच जाएगी। आधुनिक स्तर की टनल के निर्माण में भले ही BRO ने देश दुनिया में वाह वाह लूटी हो, लेकिन 10 साल की अवधि में टनल निर्माण में लगे 80 से अधिक लोगों की जान भी गई है। सोलंग नाला से अटल टनल के साउथ पोर्टल तक बनने वाली 23 किलोमीटर लंबी सड़क का कार्य वर्ष 2002 से शुरू हो गया था।
सोलंग नाला से 7 किलोमीटर दूर कांगणी नाला में सड़क का कार्य कर रहे 60 श्रमिक टेंट में रहते थे। 8 अगस्त 2003 को कांगणी नाला में रात को 11:30 बजे बादल फटने से बाढ़ आ गई। इसमें 60 श्रमिकों की जान चली गई। इनमें 27 श्रमिकों के शव अगले दिन मिले थे। इस हादसे में 45 लोगों के ही शव बरामद हो सके। अन्य श्रमिकों के शव आज तक नहीं मिले हैं। पीएम मोदी को परोसी जाएगी गुच्छी और अखरोट की चटनी, कुल्लूवी सिड्डू का भी लेंगे स्वाद। अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के लिए 3 अक्टूबर को हिमाचल पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोपहर के भोजन में कुल्लू की गुच्छी, कुल्लूवी सिड्डू, देसी घी और अखरोट की चटनी परोसी जाएगी। इसके लिए पर्यटन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि पीएम मोदी भी कई मंचों पर कुल्लू के खान पान और रहन सहन का जिक्र कर चुके हैं। पीएम के आगमन के लिए न केवल कुल्लूवी व्यंजन परोसने की तैयारी चल रही है, बल्कि कुल्लू की पारंपरिक लोक संस्कृति से भी पीएम को रूबरू करवाया जाएगा। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ कुल्लूवी परिधान धाटू व पट्टू पहनकर उनका स्वागत करेंगे। अटल टनल की पहाड़ियों पर पुलिस का पहरा, SPG ने की सोलंग नाला सी से हेलीपैड की रेकी। सामरिक महत्व वाले मनाली लेह मार्ग पर बनी 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन से पहले सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं। टनल के उद्घाटन के लिए 3 अक्टूबर को आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जिला कुल्लू की सीमाओं को सील कर दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की तलाशी लेनी शुरू कर दी है। पुलिस टुकड़ियां मोदी के जनसभा स्थल सोलंग नाला तथा अटल टनल रोहतांग के पास वाली पहाड़ियों पर पहरा दे रही हैं।